हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारे सिलेबस का जो सेकेंड यूनिट है, डेटा बेस क्वेरी यूजिंग SQL। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स फंक्शन, पावर, राउंड एंड मोड एंड टेक्स्ट फंक्शंस, जिसमें है अपर केस, लोअर केस, मिड, सब स्ट्रिंग, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट राइट क्या काम आएगा फंक्शन, और एल ट्रिम एंड आर ट्रिम एंड ट्रिम। सो आई होप आप लोगों ने सबने एक बार ये देख लिया होगा PDF। अगर फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिकली अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आज आपको यहाँ पर ये सब बताने जा रहा हूँ। तो करना क्या है, जस्ट ओपन योर MySQL। कोई भी डेटाबेस आप लोगों ने जो बना रखा है उसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एक मैंने डेटाबेस बना रखा है ऑलरेडी, ये डेटाबेस यूज हो गया है। इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि कितनी टेबल्स हैं पहले से। ये टेबल है, एक टेबल को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यूज़ करना तो हमको डेटाबेस ही यूज़ करना होता है। इसके बाद में हम लोग एक बार टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए ये टेबल आ गई है। सो हियर यू कैन सी द एम्प्लॉय टेबल। द एट्रीब्यूट इज ई कोड, एम्प्लॉय कोड, ई एम्प्लॉय नेम, जेंडर, ग्रेड एंड ग्रॉस। ये यहाँ पर ग्रॉस इनकी सैलरी को शो कर रहा है, मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे ये सारी क्वेरीज अप्लाई कर करके। तो देखिए जो ये मैथ्स फंक्शन है, इसके अंदर ये पावर, राउंड एंड मोड है, ये हम लोग वैसे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे, आप लोगों ने इस PDF में देखा होगा कि ये पावर फंक्शन। सो पावर फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, पावर, जैसे कि हम लोग पावर यूज़ करते हैं 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2। तो यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3, और यहाँ पर 9 आना चाहिए आंसर। तो यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको बस सीधा सा लिखना है सेलेक्ट POWER पावर, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आगे आपको लिखना है कि जैसे 3 के पावर, अगर आपको 2 लगाना है तो जैसे 3 और पावर लगानी है 2, तो ये लीजिए पावर 2 लगा दिए और एंटर कीजिए। तो ये देखिए 9 आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 3 की पावर 3 करनी है तो 3 की पावर जस्ट चेंज कीजिए और देखिए ना 27 आंसर आ गया है। सो ऐसे आप लोग पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप किसी की भी पावर कितना भी लगा सकते हैं, जैसे कि 7 की पावर 3 लगा दीजिए तो ये लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है पावर फंक्शन यूज़ करने का तरीका। सो नाउ वी विल सी द राउंड फंक्शन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ राउंड, कैसे ये काम करेगा देख लेते हैं। सो दिस फंक्शन इज़ रिटर्न ए नंबर राउंड ऑफ एज़ पर द गिवन स्पेसिफिकेशन। तो जैसे हम लोग राउंड करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल नंबर को, तो वैसे ही ये राउंड फंक्शन काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए राउंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वही तरीका है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या लिखना है, सेलेक्ट ROUND राउंड, और फिर इसके अंदर आपको डेसिमल नंबर लिखना है, जैसे कि 1। ये देखिए ये लिख दिया। अब कॉमा लगा के आपको लिखना है इसके अंदर कि आपको डेसिमल के बाद में कितने नंबर चाहिए। तो सपोज हमको अगर एक नंबर चाहिए, तो हमने 1 1 लिखा और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के एंटर करेंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद में जस्ट 1 नंबर आया। अगर आपको डेसिमल के बाद में 2 नंबर चाहिए, तो ये देखिए 2 नंबर आ गए। अगर आपको वापस यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो हम 0 लिख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आ गया 2। सो दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ योर राउंड। अब इसके बाद में है देखिए कौन सा मोड। अब मोड का मतलब होता है जो हमारा रिमाइंडर बचता है जब भी हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो जो फुली डिविजिबल नंबर नहीं होते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वो मोड कहलाता है। ये देखिए, सो रिटर्न मोड, रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द गिवन 2 नंबर्स। तो इसको यूज़ करने का भी सेम तरीका है, सेलेक्ट लिखेंगे, मोड लिखेंगे, यहाँ पर 11 जिसमें हमको डिवाइड करना है और किसने करना है, ये हो जाएगा आपका 4। तो सेम तरीका है, देखिए क्या लिखना है, ये सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट टाइप करके आपको मोड
लिख के, और इसके अंदर जैसे सपोज करो जैसे 15 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 15.2 कर दिया। 15.2 करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 7 14 और रिमाइंडर बचा था आपका 1। ऐसे ही अगर आपको 16 और यहाँ पर एक काम करते हैं 3 लिख देते हैं, तो ये देखिए ये हो गया 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 15 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही जैसे सपोज करो अगर 4 लिखते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। सो दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ दीज फंक्शन विच इज़ गिवन इन आर सिलेबस मैथ्स फंक्शन। सो ये 3 फंक्शन है मैथ्स से रिलेटेड, पावर, राउंड एंड मोड फंक्शन। हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें है अपर केस, जिसको हम लोग यू केस भी बोलते हैं, एल केस लोअर केस हो जाएगा, मिड सब स्ट्रिंग और सब एस टी आर, ये तीनों एक ही जैसे हैं। कैसे यूज़ होगा देख लेंगे अभी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन यूज़ करने के लिए एक बार हम सबसे पहले हमारी टेबल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये देखिए अभी आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो ई नेम है, एम्प्लॉय नेम है, इनमें कुछ नेम आपको कैपिटल में दिख रहे हैं और यहाँ पर ये बाकी सारे नेम आपको स्मॉल लेटर में दिख रहे हैं, लोअर केस में दिख रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे जो नेम है वो सब अपर केस में आ जाए, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी हमको, जो टेक्स्ट फंक्शन है इनमें से ये यू केस वाली। अब ये यू केस कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए ये जस्ट पीडीएफ में इतना शॉर्टली आपको दे रखा है, आप यहाँ से देख के फटाफट से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अपर केस, सो इट रिटर्न द आर्ग्यूमेंट इन अपर केस। कैसे यूज़ करना है ये देखिए, एग्जांपल यहाँ दे रखा है, सेलेक्ट अपर केस और ब्रैकेट में कॉलम नेम, और जहाँ से आप करना चाहते हैं तो टेबल का नेम फ्रॉम में यहाँ लिख देंगे। तो देखिए कैसे यूज़ करना है, लिखा टाइप किया सेलेक्ट यू के, आप यू केस लिख सकते हैं, अपर केस लिख सकते हैं, जैसा वहाँ सब दे रखा है आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अपर यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग यू केस भी लिख सकते हैं, यू केस करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यू केस, अब किसको यू केस करना है, ई नेम को करना है, ई नेम लिख दिया फ्रॉम हमारा टेबल का नेम, ई एम पी एल ये लीजिए एम्प्लॉय। तो ये देखिए जितने भी नेम यहाँ पर हैं ये सब अपर केस में आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सेम फंक्शन को अगर हम लोग अपर लेके चलेंगे तो अपर केस में भी यही चीज़ होने वाली है ये, बट ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हो रही है। अगर आप लोग वापस देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो ये सेम वैसा का वैसा जैसे ही आपने जब इंसर्ट करते वक्त आपने चीज़ें सेव की थी उसी फॉर्मेट में चीज़ें सेव रहेगी। ये जो हम लोग क्वेरी लगा रहे हैं ये सारी आपको टेम्प्रेरी रूप में काम कर रही है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अपर केस की जगह लोअर केस देख लेते हैं। तो लोअर केस के लिए क्या करना है, सीधा सा है, वही जहाँ यू केस लिख रहे थे वहाँ पर हम लोगों को एल केस करना है। तो सेलेक्ट एल केस, ई नेम ही कर लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये देखिए एंटर करेंगे तो जितने भी ये अमन अभिमन्यु सब जो अपर केस में थे ये सारे लोअर केस में आ गए। ये देखिए लोअर केस, तो रिटर्न द आर्ग्यूमेंट इन लोअर केस, लोअर केस में आपको ये कन्वर्ट कर देगा। जैसा आप लोग वहाँ पे अपर लिख रहे थे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लोअर लिख सकते हैं, लोअर डब्ल्यू। तो ये देखिए वापस लोअर केस में आ गया। सो अभी तक हमने एल केस देख लिया है, यू केस देख लिया है, ये हमारे ये चीज़ें हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे मिड सब स्ट्रिंग और सब एस टी आर। सो सब स्ट्रिंग हम लोग देख रहे हैं क्या काम करता है ये, सो रिटर्न द सब स्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड। अब स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग आपने ली है उसमें से आपको पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए, तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स आपको ये ड्रैग करके दे देगा। सो यहाँ पर ये फंक्शन का तरीका है, यहाँ पर जैसे कि आप लिख देंगे सब एस टी आर ई नेम और टू टू, जैसे कि तो ये टू हो जाएगा स्टार्टिंग का इंडेक्स वैल्यू, और ये हो जाएगी स्टार्टिंग के इंडेक्स से लेके कितने नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो एक बार जब हम लोग यूज़ करते हैं इसको और यूज़ करके देख लेते हैं, तो करना क्या है आपको, वापस यहीं जाना है, जैसे कि आपने लिया
सेलेक्ट SUBSTR, और यहाँ पर हम लोग एक बार पहले बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करके देख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करने के लिए हमको स्ट्रिंग भी हमको खुद को देनी पड़ेगी, और खुद को जब हम लोग स्ट्रिंग देते हैं तो हम लोग डबल कोट में स्ट्रिंग लिखते हैं। तो जैसे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, अभिमन्यु हमने ये नाम लिखा। अब इसके अंदर हमको सब स्ट्रिंग यूज़ करनी है, तो सब स्ट्रिंग हमने फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर जैसे सपोज़ करो हमको 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, अगर 3 तक चाहिए तो हम लोगों ने ये 3 लिखा और एंटर। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग से लेके जो ए है, ए से लेके 3 डिजिट हमारे पास में आ गई, यहाँ पर 3 अल्फाबेट आ गए। अगर हमको चाहिए कुछ और चेंज करना है, तो जैसे सपोज़ करो कि 2 से लेकर 3, ट्रू से आगे 3 और चाहिए, तो 2 से लिख दिया। तो ये देखिए, तो ये BHI आ गया। तो ये तरीका है इसका यूज़ करने का। अगर हमको इसको अगर यूज़ करना है किस में, सपोज़ करो हमको टेबल में यूज़ करना है, तो टेबल में यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा जहाँ हमारा वेरकेर वाला जो कॉलम है उसको यूज़ करना है, तो ई नेम हमने यूज़ कर लिया। और एक काम करते हैं, शुरू के 3 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, तो 1 से लेके 3 ले लिया। तो ई नेम के अंदर जितने भी यहाँ पर ये जो नेम है, इनके फर्स्ट से लेके 3 अल्फ़ाबेट सब आ जाएंगे। देखिए तो ये एंटर किया, ओ देखिए एरर आया है क्योंकि हम लोगों ने फ्रॉम नहीं लगाया। सो फ्रॉम EMPO, ये देखिए एम्प्लॉय, ये देखिए ये सब कुछ आ गया। तो ये तरीका है STBR इसको यूज़ करने का, सब स्ट्रिंग STBR को। अब इसके बाद में कौन सा बचता है हमारे पास में, लेंथ। तो लेंथ फंक्शन हम यूज़ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ को फाइंड करने के लिए। सो लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं, तो तरीका वही है, सेलेक्ट लिख के आपको लेंथ लिखना है, और डबल कोट के अंदर आपको वर्ड लिखनी है, पूरी स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है। तो उसकी ये लेंथ यहाँ पर आ जाइए। ओके तो लेंथ फंक्शन यूज़ करते वक्त हमको क्या करना है, वही लिखना है सेलेक्ट लेंथ, और लेंथ के आगे ब्रैकेट, और डबल कोट के अंदर आपको जिस भी वर्ड की लेंथ यू फाइंड कर रही है उस वर्ड को लिखना है। सो हेयर यू कैन सी द कोड ऑफ द लेंथ फंक्शन, एंटर करेंगे तो देखिए लेंथ आ गई है। अगर आपको इसको यूज़ करना है आपके टेबल में, तो सेम कोड लिखेंगे और लेंथ के अंदर आप लिख देंगे टेबल में जिस भी कॉलम का आपको लेंथ फाइंड करनी है, ये लिख दिया, और फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, EMPLO, ये देखिए या तो जितने भी जो ई नेम में जो हमारे नेम थे उनके सबकी यहाँ पर ये नेम, उनकी सबकी लेंथ आ गई। तो अभिमन्यु, अमन, अभिजीत, ये सबकी लेंथ यहाँ पर ही आ गई, ये देखिए। तो ये तरीका है आपका लेंथ फंक्शन यूज़ करने का, ये देखिए। अब हम यूज़ करेंगे लेफ्ट और राइट फंक्शन। लेफ्ट और राइट फंक्शन को यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये लेफ्ट फंक्शन आ गया। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, लेफ्ट फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ द कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड। तो जितने भी अगर आपको कोई कैरेक्टर कोई वर्ड है उसमें अगर आपको पर्टिकुलर लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चाहिए, 3, 5, 4 जितने भी आपको चाहिए, बस आप उसका नंबर लिखो और ये आ जाएंगे सारे नंबर। ये वैसा ही है जैसा आप लोगों ने STBR उसमें देखा था, सब स्ट्रिंग में सेम एज इट इज़ वैसा नहीं है, बट हाँ लगभग लगभग वैसा ही है। तो यूज़ करते हैं, क्या करना है आपको, सीधा लिखना है लेफ्ट, और यहाँ गए एक बार हम लोग डायरेक्ट यूज़ करके देख लेते हैं, और ये लीजिए। तो देखिए केवल 2 ने जो कैरेक्टर हैं पर्टिकुलर वर्ड में से वो आ गए हैं। अगर हमको यूज़ करना है हमारे टेबल में, तो टेबल में से कॉलम का नेम लिख देते हैं, ये ई नेम लिख दिया है, ई नेम को बंद कर दीजिए ब्रैकेट, और कौन सी टेबल में से है वो लिखना है, ये एम्प्लॉय। ओ हमने नंबर नहीं दिया है कि कौन सा नंबर है, तो हम लोग 3 ले लेते हैं यहाँ पर।
देखिए जितने भी जो हमारी एंट्री थी उनमें सब में लेफ्ट मोस्ट जो थ्री है पर्टिकुलर वर्ड के थ्री कैरेक्टर हैं वो सब कुछ आ गए हैं। सेम एज इट इज़ ऐसा ही आपका राइट फंक्शन में हो जाएगा। सो राइट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द राइट मोस्ट नंबर ऑफ द कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड। तो सेम है, आपको यूज़ करना है लेफ्ट की जगह सीधा सा राइट लिखना है। तो ये राइट लिख देते हैं। ओके, तो ये देखिए जितने भी नेम हैं उन सब के राइट मोस्ट नंबर आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये तरीका है लेफ्ट और राइट फंक्शन यूज़ करने का। अब हमको देखना है यहाँ पर एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन एल ट्रिम और आर ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब यही वही है जो बेसिक मतलब होता है इसका, कि ये ट्रिम कर देता है पर्टिकुलर लेंथ को। तो अब पर्टिकुलर लेंथ को तो हम लोग ट्रिम कैसे करेंगे, कि जो अनवांटेड चीज़ होगी उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्पेस है ये अनवांटेड स्पेस है, कोई मतलब का नहीं है, तो हमको यहाँ पर इसको ट्रिम करना है। तो एल ट्रिम हम जब भी यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड की जो लीडिंग स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। और वैसे ही आर ट्रिम क्या करता है, ये जो इसके राइट साइड वाले को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो एक बार यूज़ करके देख लेते हैं हम लोग इसे। क्या तरीका है, वही सेलेक्ट, और इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अमन। ये देखिए, और यहाँ पर हमको यूज़ क्या करना है, एल ट्रिम। ये एल ट्रिम हमने यूज़ कर दिया। ये देखिए, अब ये जो है इसका जो अमन है, अमन का जो लेफ्ट साइड वाले जो स्पेस थे वो सारे ट्रिम हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो देखिए ये है, मैं इसको यहाँ से ऑलरेडी ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए इसका ये जो स्पेस है, ये जो विड्थ है इसकी, ये कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ का ये स्पेस आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर स्पेस है अभी। ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे आर ट्रिम को। अब आर ट्रिम को यूज़ करने के लिए ये देखिए हम लोगों ने दोनों तरफ स्पेस दे दिया है, और आर ट्रिम जब यूज़ करते हैं तो ये देखिए जो भी राइट साइड के जो भी स्पेस था इसका वो सारा ट्रिम हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए, बट अभी हमको वो ये जो पर्टिकुलर इसकी कॉलम की जो विड्थ लेता है वही शो कर रहा है। ये देखिए, इसको हम लोग कम कर देते हैं और ये देखिए, तो ये एज इट इज सेम हो चुकी है। तो ये तरीका है आपको ट्रिम यूज़ करने का। तो हम लोगों ने ट्रिम देखा, एक बार और हम लोग ये देख लेते हैं ट्रिम फंक्शन। जो एल ट्रिम और आर ट्रिम आपने देख ही लिया है, अब जब केवल हमको अगर ट्रिम यूज़ करेंगे तो ट्रिम फंक्शन केवल एल ट्रिम की जैसे काम करेगा। एल ट्रिम क्या था, जो कि लीडिंग जो स्पेस होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर ये जो लीडिंग स्पेस है, ये जो लीडिंग स्पेस है इसको रिमूव करने का काम करेगा। ये जो आर डी बी एम एस की जस्ट पहले आपको कोड के वहाँ पर दिख रहा है, तो ये लीडिंग स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे जस्ट सपोज़ करो हम लोगों ने एक ये अमन यहाँ लिखा और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है इसके लेफ्ट और राइट में, इसको हम लोगों को ट्रिम करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एल, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार ट्रिम यूज़ कर लेते हैं। ये ट्रिम हमने यूज़ किया तो देखिए सारे जो लेफ्ट के जो स्पेस थे वो सब हट चुके हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर हम लोग एल ट्रिम यूज़ करेंगे तब भी वही चीज़ होने वाली है। तो एल ट्रिम और ट्रिम लगभग लगभग सेम जैसा ही है। और आर ट्रिम आपका राइट साइड के जो स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपकी दो आपके फंक्शन हो चुके हैं इसके अंदर, आपके कोर्स के अंदर, जैसे कि मैथ फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन है। अब ये डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमको अभी जो वेकेशन है, समर वेकेशन में हमको क्या प्रिपरेशन करनी है। हम लोग एक काम करेंगे, ये जो सेक्शन है आपका डेटा मैनेजमेंट वाला, ये हमको फाइल में करना होता है, ये हम लोग फाइल में कंप्लीट कर लेंगे।
अगर फाइल नहीं है अवेलेबल तो कोई नहीं, हम लोग एक कॉपी के अंदर इन सब प्रोग्राम को अभी लिख लेंगे, और उसके जब भी हम लोगों के पास में फाइल्स अवेलेबल होगी तब हम लोग उसको फेयर में कर लेंगे। ओके सो थैंक यू।